ओम शांति पंद्रह फेबरी के ईश्वर वरदान में आपका स्वागत है परमपिता परमात्मा कहते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना वो भी शुभ चिंतन के द्वारा ये तभी पॉसिबल है जब हमारे चिंतन मेडिटेशन में प्रैक्टिस करते हुए हमारे शुभ हों तो परमात्मा के वरदान में अपने ही शब्दों में कहते हैं शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भवा सदा समर्थ रहने के लिए मतलब सदा शक्तिशाली रहने के लिए सिर्फ दो शब्द याद रखो ओनली टू वर्ड्स शुभ चिंतन और शुभ चिंतक सिचुएशन के लिए शुभ चिंतन और व्यक्तियों के लिए शुभ चिंतक शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक इन दोनों का आपस में संबंध है क्योंकि सिचुएशंस भी इंसानों से भी आती हैं प्रकृति से भी आती हैं अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते अगर आप किसी सिचुएशन के प्रति अपनी लाइफ में आए हुए हैं अगर आप उसके प्रति पॉजिटिव नहीं है तो आप ऑटोमेटिक क्या करते हैं आप ब्लेम करते हैं कंप्लेन करते हैं नेगेटिविटी निकालते हैं और उनको आप बताते हैं कि ऐसा ना किया होता तो अच्छा होता है उसने ऐसा किया इसलिए हुआ तो हम ब्लेम गेम खेलते हैं नेगेटिव देखते हैं तो ये हो गया शुभ चिंतक नहीं हुआ अशुभ चिंतक और अशुभ चिंतन तो चिंतन अगर अशुभ हुआ तो फिर औरों के बारे में अशुभ चिंतन भी हुआ सो अशुभ चिंतन और अशुभ चिंतक तो परमात्मा कहते हैं हमें करना है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनना है शुभ चिंतन करना है मतलब पॉजिटिव सोचना है उस कारण से ऑटोमेटिकली औरों के प्रति भी हमारा शुभ चिंतक बन करके हमारा कार्य चलता रहेगा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक इन दोनों का आपस में संबंध है अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते इसको हमने समझ लिया है नेगेटिव इंसान सिचुएशन के बारे में नेगेटिव सोचेगा तो इंसानों के बारे में भी नेगेटिव सोचेगा चिंतन चिंतक वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ चिंतन अपने लिए हुआ सिचुएशन के लिए पॉजिटिव हुआ शुभ चिंतक औरों के प्रति क्या हम सोचते हैं हमारी भावना कैसी और के प्रति तो वाणी से नहीं समझते लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे अब ये बहुत प्रोसेस है जो कि अमृत वेले में और शाम में करना चाहिए शुभ चिंतक बन उनको शुभ भावनाएं देना शुभकामनाएं देना उनका भला हो कल्याण हो आगे बढ़ें जीवन में ये सारी बातें सोचना इसको कहते हैं शुभ चिंतक और ये औरों के प्रति हो गया अपने प्रति हम भी आगे बढ़ रहे हैं हमारा भी सब कुछ अच्छा भला हो रहा है तो ये सोचने से हम दूसरों को ब्लेम उनके प्रति कंप्लेन नहीं करेंगे ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारीज में आप भी आकर के सीखे इस विधि को हम शांति